शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय एक। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय एक। शमूएल के जन्म और लड़कपन का वर्णन। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपिम नाम नगर का एक निवासी एलकाना नाम एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलिहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था, और उसके दो पत्नियां थी। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था, और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों के से भी अच्छा नहीं हूं? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एलियाजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिराए न जाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझ रखा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण हुआ है। इसलिए एलिया ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहर रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई
और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़वाया तब वह उसको संग ले गई और तीन बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया।